हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं, आपका भी 22 मई को मैथ का एग्जाम है, तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल इसका वायरल प्रश्न पत्र। इस दिन आपका 3 से 4 प्रश्न पत्र वायरल हुआ था। सभी प्रश्न पत्र हम यूट्यूब पर डाल दिए हैं, आप जाकर हमारे चैनल पर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और जो 6 बजे आएगा ना पेपर, वो पेपर रियल रहेगा, ठीक है। 6 बजे आएगा पेपर रियल रहेगा, ये वाला भी पेपर रियल ही है, ठीक है। इसमें से लेकिन 3-4 क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे भी, ठीक है, कोई ठीक नहीं है। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को भी अंतिम तक देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है यही प्रश्न पत्र रियल हो, ठीक है, यह भी हो सकता है, ठीक है। बिहार बोर्ड का कोई लफड़ा नहीं इधर उधर कर देता है यह प्रश्न पत्र, ठीक है। देखिए मासिक एग्जाम का यह प्रश्न पत्र होने वाला है, आपका विषय कोड 121 और 327 रहने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका विषय कोड लिखा हुआ है, गणित का यह पेपर है, 50 नंबर का यह पेपर। चलिए आइए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, ठीक है। 1 घंटा 30 मिनट आपका समय मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है, कॉस इनवर्स 1 - x² + 1 + x² का मान पूछ रहा है। तो जब इसका मान निकालिएगा ना कॉस का, तो 2 cos inverse हो जाएगा। 2 cos inverse कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या डी में। तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है बच्चों। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देते हैं, 3 sin inverse x बराबर, देखिए 3 sin inverse दिया है, तो 3 sin inverse, तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स हो जाता है 4x, यहाँ पर हो जाएगा 4 1/2 में दिया है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साइन इनवर्स 3x + 4x³। ठीक है, इसका टैन इनवर्स का मान पूछ रहा है। जब टैन इनवर्स का मान निकालिएगा ना, तो इसका आ जाएगा आपका टैन हो जाएगा, और टैन तो हट जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, और ये उल्टा हो जाता है। जब उल्टा हो जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइन और कोसेक का मान पूछ रहा है, प्लस करके कोसेक का इनवर्स का, ठीक है। तो सेक प्लस कोसेक और इनवर्स साइन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन गलती भी है, आप पर उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आप गूगल से भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मान लिए बाय मिस्टेक गलत से हो जाता है, गूगल से हम किए हैं सारा क्वेश्चन, तो गूगल 1-2 क्वेश्चन गलत भी बता देता है, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है, उसको अपने से कर लेना है, ठीक है। इस दिन आपका 4 से 5 प्रश्न पत्र वायरल हुआ है, सभी प्रश्न पत्र हम डाल दिए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। और अगर सभी प्रश्न पत्र नहीं मिलते तो सुबह में आप जो पेपर देखोगे ना, वो पेपर बिल्कुल रियल होगा, ये वाला भी पेपर रियल है, ठीक है। लेकिन कोई भरोसा नहीं है बिहार बोर्ड का, अगर सुबह तक कोई अपडेट आता तो हम वो भी पेपर डाल देंगे, ठीक है। 2 tan inverse का मान पूछा है, tan inverse 1/7 का, तो आप सभी को पता है कि जब इसका निकालिएगा ना, तो π/2 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। सारणिक दिया है, तो इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, तो जब इसका पंक्ति से और स्तंभ से गुणा कीजिएगा, ठीक है, पंक्ति से फिर स्तंभ से गुणा कीजिएगा। ये पंक्ति ले लीजिए, फिर ये पंक्ति में ये स्तंभ छोड़ दीजिए, पंक्ति छोड़ दीजिए, फिर इसमें गुणा कर दीजिए। जब इसका निकालिएगा ना, निकालने के बाद क्या आ जाएगा आपका आंसर, 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस भी होता है। सारणी की देखिए, ये भी वैसा ही दिया है, इसका भी मान क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बी सी या डी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, सारणी का मान, इसका मान यहाँ पर दिया है क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है, 36। जब निकालिएगा इसका मान 36 आ जाएगा, हम निकाल कर पहले से लिख कर रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि a बराबर इतना दिया तो इसका AQ का मान पूछ रहा है, AQ का मान पूछ रहा है, तो आप सभी को पता है कि a माइनस माइनस जो होता है वो माइनस ही रहता है। देखिए एक का ए, यहाँ पर एक का एक से कर देंगे, देखिए यहाँ पर एक का एक से कर देंगे, और फिर माइनस का बीच में माइनस लगा देंगे, और इसका फिर प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, +1। तो जब निकालिएगा तो इसका क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, 2a, ठीक है, 2a यहाँ पर दिया हुआ है, 2a आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट है, अवयव है, ये कौन सा अवयव है, तो विषम है, सम्मित अवयव है, एकांक अवयव है, तो ये क्या है, तो विषम सम्मित अवयव है, ठीक है, विषम मतलब इसमें बहुत सारे मिले हुए अवयव है, ठीक है, बहुत सारे मिले हुए अवयव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवकलन समीकरण इतना दिया तो इसका हल ज्ञात करना है, तो जब हल ज्ञात कीजिएगा तो x² - y² / 2 आ जाएगा, ठीक है, और बराबर k आ जाएगा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अवकलन समीकरण y(dx - yxl) = 0 का हल है, इसका हल क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अवकलन समीकरण dy/dx + by = q का समाकलन गुणांक है, समाकलन गुणांक जब निकालिएगा ना, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा।
आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है जे इंटू के एल, ठीक है, जे इंटू के एल, तो आपको जे का जे ही रह जाएगा, ठीक है, जे का जे ही रह जाएगा, और के इंटू एल, के इंटू एल का आप सभी को पता है कि मान होता है जीरो, ठीक है, के इंटू एल का मान जीरो होता है, तो जब जे 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 वेक्टर का मान निकाल कर जीरो आ रहा है, ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करिएगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया वेक्टर एक्स वाई जेड, तो वेक्टर एक्स वाई जेड का मतलब बराबर पूछ रहा है, डायरेक्टली बराबर पूछ रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, डायरेक्ट हम उल्टा भी कर सकते हैं और सेम टू सेम भी लिख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, सी नहीं, गलती से ए हो जाएगा, ठीक है, गलती हो गया, सी नहीं ए हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट है, डी एक्स ई एक्स क्यूब का मान पूछा है, तो ई एक्स क्यूब का मान पूछा है, तो इसका राइट आंसर आमतौर पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। डी बटे में डी एक्स लॉग थ्री एक्स का पूछ रहा है, तो आप सभी को पता है इसका भी आंसर सामने ही दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, इस दिन बिहार बोर्ड के द्वारा सेट किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डी बटे में डी एक्स वन बटे में साइन एक्स प्लस ई एक्स का स्क्वायर पूछा है, तो डी एक्स जब पूछा है ना, तो छोटा सा समय पूछा है, तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, ठीक है, वन बटे में साइन एक्स बराबर कॉसेक हो जाता है, और ई दिया है, तो कॉसेक्स का कॉसेक्स प्लस ई हो जाएगा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर भी वैसा ही क्वेश्चन दिया है, वही क्वेश्चन दिया है, सेम टू सेम 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीरो, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, लॉग टू डी एक्स दिया है, ठीक है, लॉग टू डी एक्स दिया है, तो लॉग टू डी एक्स का जब निकालेंगे तो लॉग लॉग टू प्लस के आ जाएगा, लॉग टू प्लस के आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग बताइएगा बिहार में आप लोग कहाँ से हो। अंतःखंड के रूप में तल का मानक समीकरण होता है, तल का मानक समीकरण कितना होता है, तो जब इसका मान निकालिएगा ना, तो क्या जाएगा, एक्स बटे में ए, वाई बटे में बी, जेड बटे में सी बराबर बराबर जीरो, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मूल बिंदु से -3, -4, -5 की दूरी है, मूल बिंदु से, मूल बिंदु का जब सूत्र होता है, तो जब निकालेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बीच की दूरी निकालना है, ठीक है, बीच की दूरी निकालना है, a2 - a1 b2 - b1 और c2 - c1 करके निकालिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, आपका 14 आ जाएगा, 14 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यदि ए और बी दो घटना हो, तो पी बटे में ए बी प्लस पी बटे में ए नट, तो इसका आमतौर पे आपको पता है कि एगो ए नहीं दिया है, एगो ए दिया है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ए दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है, ए नहीं, ठीक है, ए और ये ऊपर दिया है, नहीं, ठीक है, और ए यहाँ पर दिया है नॉर्मल, तो इसका मान हमेशा जीरो आ जाएगा। मान ली एक सिक्का है, उसको सीधा किए, फिर उसको उल्टा किए, तो वो फिर से सीधा ही ना हो गया, तो वहीं जीरो हो जाएगा। साइन 2x दिया है, 2x तो कॉस हो जाएगा, कॉस बटे कॉस 2x हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। टेन के एक्स, टेन के एक्स, तो टेन का उल्टा क्या होता है, तो यहाँ पर साइन कॉस होता है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, एक्स प्लस टू डी एक्स दिया है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपका बायोलॉजी का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुका है, चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है, सभी वायरल प्रश्न पत्र अपलोड हो चुका है, रियल प्रश्न पत्र भी अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर चैनल पर सभी का पेपर देख सकते हो, ठीक है, एक बार सभी पेपर देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड 3-4 पेपर इस दिन वायरल पेपर दिया है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट डी एक्स का मान पूछा, कॉस्ट डी एक्स का मान पूछा, तो माइनस का एक हो जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है, साइन ए एक्स कॉस एक्स बराबर डी एक्स दिया था, इसका मान पूछा, तो इसका जब मान निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, आपका एक बटे में दो साइन 2x प्लस के आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।